नमस्कार दोस्तों, करेंसी मंथली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 30th of March 2024 सैटरडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। मार्च महीने का एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुका है। डॉलर इंडेक्स जो क्लोज दिया है वो है आपका 104.48 लेवल पे। यहाँ पे जो मंथली कैंडल फॉर्म हुआ है इट्स ए हैमर कैंडल, यानी बुलिश इन नेचर, क्लोजिंग ऑलमोस्ट नियर द हाई। ऑल्दो ड्यूरिंग द मंथ ये नीचे के तरफ 102.35 तक गया था, लेकिन लोअर लेवल पे सस्टेन नहीं किया एंड बायर्स डिफिटेड द सेलर्स एंड क्लोज्ड नियर द हाई। इसका ये कैंडल का मतलब क्या है? बुलिश इन नेचर, दैट मींस जैसे ही इसके हाई के ऊपर, दैट मींस 104.7580 के ऊपर सस्टेन करेगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज के डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अपवर्ड प्रेशर कर सकता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जहां पे करेंटली मंथली क्लोज दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस को तोड़ना है तभी जाके कुछ अपवर्ड बायस देख सकते हैं। ऐसा न हो कि अप्रैल महीने में दोबारा ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। देन इज योर वन मोर एस्पेक्ट, दैट इज द बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड एंड लोअर बैंड दोनों ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये आने वाले समय में, यानी मंथली है तो आने वाले महीनों में ये इसी अपर एंड लोअर रेंज के अंदर में रहेगा। दैट मींस आपका 110.50 ऑन द हायर साइड एंड 98.50 ऑन द लोअर साइड, ये बहुत ही बड़ा रेंज। बट इसका मतलब यही है कि इसके बाहर नहीं जाना आने वाले महीनों में। अभी हमें देखना है, अगर मार्च के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो इट मे मूव टुवर्ड्स हेड टुवर्ड्स 107 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। RSI मंथली एट 54.05, सो इट्स अ साइडवेज। ये साइडवेज काफी टाइम से चल रहा है, कब से? दिसंबर 2022 से, ऑलमोस्ट सवा महीने से ज्यादा हो चुका, सवा साल से ज्यादा हो चुका जो ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट में ये जो रेजिस्टेंस लेवल के वहीं पे जाके क्लोज दिया हुआ है, RSI एट 54.81। ये अगर ऊपर भी जाएगा, अगर RSI 60 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो ये शार्प रिवर्सल का भी एक्सपेक्टेशन है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्या ये 105 के ऊपर सस्टेन करते हैं या रेजिस्टेंस के नीचे आते हैं, दैट इज दैट वी नीड टू सी। अगर हम इसको डेली प्राइस एक्शंस में देखेंगे, डेली प्राइस एक्शंस में यहाँ पे आगे जब तक ये लोअर हाई लोअर लो नहीं बनाते हैं, अपवर्ड बायस रहेगा, डाउनवर्ड सेलिंग बायस थोड़ा सा कम रहेगा। एज ऑफ नाउ सिंस 8 मार्च ये नॉनस्टॉप हायर हाई हायर लो बन रहा है। सो एज ऑफ नाउ वीकनेस तक भी डेली चार्ट में हम कुछ देख नहीं रहे। अभी आते हैं हमारा GBP डॉलर। GBP डॉलर का जो मंथली कैंडल है ये एक इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पिनबार बनाया हुआ है विथ ए हाई ऑफ 1.2893 एंड लो ऑफ 1.2575 एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट नियर द लो एट 1.2618। दैट मींस ये एक नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं एज फार एज द मंथली प्राइस एक्शन इज कंसर्न। अगर हम RSI को देखेंगे एट 50.63, RSI is sideways, यानी दोनों तरफ monthly perspective में price move करने का expectations हो सकते हैं। अभी आते हैं हमारा one more analysis, that is your ये जो price है ये आपका Bollinger band के upper band में रुका हुआ है। सो यहाँ पे एक box बनाया हुआ है, इस box के ऊपर अगर sustain करते हैं then and only then GBP डॉलर में हमारा एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स कम टू द वीकली एनालिसिस। वीकली में जो कैंडल आपका बनाया है ये एक स्मॉल बॉडी कैंडल है।
प्रीवियस दो जो वीक का कैंडल है बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद आपका थर्ड कैंडल इज ए यानी करंट वीक का जो कैंडल है ये एक स्मॉल बॉडी कैंडल, यानी दो हफ्ता डाउन मूव करने के बाद एक पॉज है। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें देखना है क्या ये इस पॉज के नीचे सस्टेन करते हैं, यानी इसके नीचे अगर जाते हैं सो इन सच ए केस ये आपका और भी फर्दर सेलिंग ऑन वीकली पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे RSI जो है ऑलरेडी ये 60 में रेजिस्टेंस लेके प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से नीचे आया हुआ है, ये एक पॉज है। पॉज के बाद अगर लो के नीचे सस्टेन करते हैं इन सच केस एक डाउनवर्ड मूव पॉसिबली फर्स्ट टूवर्ड्स 1.25 एंड देन टूवर्ड्स 1.22 एक्सपेक्ट कर सकते। अगर हम डेली चार्ट में जाएंगे तो डेली में पिछले चार दिन स्मॉल बॉडी कैंडल्स बनाया हुआ है। ये आपका मंडे का 25 मार्च का जो एक बाउंस बैक दिया था एक सपोर्ट जोन पे, कौन सा सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के नजदीक एक बाउंस बैक किया, सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, लेकिन बाउंस बैक करने के बाद भी कॉन्टिन्यूएशन नहीं है, यानी मंडे का तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया उसके बाद प्राइसेस में कंटिन्यूएशन नहीं दिख रहा है, मंडे के जो एक्शन है उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं है, दैट मींस द केस यहां पे एक साइडवेज छोटा रेंज बनाया हुआ है। यहां पे इस रेंज के बाहर डेली पर्सपेक्टिव में एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नीचे के तरफ अगेन 1.25 इज गोइंग टू एक्ट एज ए गुड सपोर्ट, पर के तरफ 1.27 is a good resistance as far as the daily perspective. GBP INR monthly chart को देखेंगे तो ये एक although green candle color का candle बनाया हुआ है but the price rejections from the higher end, thereby it's an inverted hammer. So inverted hammer is negative in nature. यानी जब तक इस इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करते हैं तब तक मंथली पर्सपेक्टिव में जीबीपी आईएनआर ऊपर की तरफ, हम ऊपर बोले तो अबोव 107 हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये इन्वर्टेड पिनबर का लो के नीचे एक सेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस अगर आप देखोगे बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड उसके बाद एक पॉज, उसके मतलब क्या है, अभी अगर प्राइस मंडे ऑनवर्ड्स कभी भी अगर इसके लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं देन एक सेलिंग हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज फार एज द मंथली प्राइस एक्शन इज कंसर्न्ड। आल्सो RSI को देखेंगे टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 करेंटली एट 59.27, सो प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक ये 107 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते RSI above 60 नहीं जाते तो अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू वीकली, वीकली में आप देखोगे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जो आपका 4th मार्च को मंडे को वीकली 4th मार्च वाला जो हफ्ता था वहां पे इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया उसके बाद नीचे की तरफ रिट्रेस किया। सो अभी यहां पे अगर हम बॉलिंजर बैंड के हिसाब से देखेंगे तो एक रेंज बनाया अबव 20 पीरियड मूविंग, अगर इसको वीकली पर्सपेक्टिव में ऊपर जाना है तो इस हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा तब जाके एक बढ़िया सा अपवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लो के नीचे जाते हैं तो इक्वली ये इक्वली ये नीचे की तरफ आने का हम डेली प्राइस एक्शंस को देखेंगे पिछले 6 दिनों में इट्स स्मॉल बॉडी कैंडल्स यानी प्राइस रिसेक्शंस एट द लोअर एंड, सो यहां पे ये कंसोलिडेशंस जोन पे अटक गया, इस जोन ऑन डेली पर्सपेक्टिव बिकम्स क्रूशियल। सो डेली पर्सपेक्टिव में इसके हाई के ऊपर कौन सा है 105.50 के हाई के ऊपर एक मॉडरेटली बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लो के नीचे एक moderately bearish momentum towards 104 हम expect कर सकते हैं। ये हो गया हमारा GBP INR। अभी आते हैं हमारा monthly euro dollar। euro dollar जो monthly close दिया है वो है आपका 1.0789। candle क्या बनाया? एक negative candle, inverted
हैमर और इन्वर्टेड पिन बार, सो इट्स नेगेटिव इन नेचर। दैट मीन्स इसके लो के नीचे हल्का सा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मंथली परस्पेक्टिव में देखेंगे तो एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक रेंज जहां पे काफी महीनों से पिछले दिसंबर 2022 से यानी सवा साल से ऑलमोस्ट इस बॉक्स के अंदर में सस्टेन कर रहे हैं। जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते तब तक हम एक अच्छा बढ़िया सा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर मंथली परस्पेक्टिव में क्लोज देते हैं इन सच केस यूरो डॉलर का जो ऊपर का जर्नी ओपन अप हो सकते हैं टुवर्ड्स 1.1650। अगर लो के नीचे कंटिन्यू करते हैं इन सच केस अगेन इट मे हेड टुवर्ड्स 97। तो मंथली पर्सपेक्टिव में हमें देखना है ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के बाहर कब निकलते हैं। जब तक नहीं बाहर जाते हैं तब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन मंथली पर्सपेक्टिव। RSI at 48.59, so it also says sideways momentum तभी होगा ये जब above 60 जाएगा या below 40 आएगा। So price consolidation within a range, RSI consolidation within 40-60 दोनों match कर रहे कि broader monthly perspective में ये consolidation zone में है। जब तक breakout नहीं करते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं weekly chart। वीकली चार्ट में आप अगर देखोगे तो वही एक रेंज के अंदर में है। पिछले तीन दिन में बैक टू बैक सेलिंग देखा गया। RSI at 47, so नीचे की तरफ RSI 40 एक सपोर्ट बन सकते हैं। इन सच केस में भी 1.065070 में एक सपोर्ट। सो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलना है अगर हमें एक ट्रेंडेड मूव चाहिए। डेली चार्ट देखेंगे डेली पे ये ट्राइंग RSI is trying to take support at 40, यानी थर्सडे के दिन में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ था, कल के दिन में एक स्पिनिंग टॉप स्मॉल बॉडी हाई वीक कैंडल बनाया हुआ है at RSI 40. That being the case, ये जो स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है? पॉज, रुको जरा, सबर करो, यानी हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। तो मंडे अनवर्स हमें देखना है यूरो डॉलर किधर जाते हैं। अकॉर्डिंगली हमें एक डेली पर्सपेक्टिव में एक छोटा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये फ्राइडे का रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं आइदर ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड, तब तक रुको जरा, समझ लो। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर मंथली एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, ऑल्दो ग्रीन इन कलर बट द नेचर ऑफ द कैंडल इज इनवर्टेड हैमर। सो इनवर्टेड हैमर मंथली में आप अगर देखोगे एक रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे किस टाइप का प्राइस बनाया हुआ है आप अगर देखोगे, तीन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, एक पॉज। ये पॉज के लो के नीचे एक मंथली पर्सपेक्टिव में सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी क्या मंथली में ये जो लो बनाया हुआ है इसके नीचे सस्टेन करते हैं, दैट मींस 89.50 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तब हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 87.50। करेंटली यूरो आईएनआर इज एट योर 90.00। आरएसआई जो मंथली आरएसआई है वो एक 60 के आसपास होवर अराउंड कर रहे कब से आपका दिसंबर 2022 से, यानी यहाँ पे ये होवर अराउंड कर रहा है, यानी ना मैं ऊपर जाने के लिए तेजी ले रहा हूँ ना मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा हूँ। सो ये जो मंथली कैंडल बनाया हुआ है इसके लो के नीचे हमें एक सेलिंग देख सकते हैं। इक्वली इम्पोर्टेंट, ये जो हाई के ऊपर प्राइस रिजेक्शन हो जाएगा, यानी सेलर्स विल गेट डिफीटेड। इन सच केस एक हल्का सा बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 91.25 के ऊपर एक अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 92.50 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ए मंथली परस्पेक्टिव। अभी आते हैं हमारा ये वीकली एनालिसिस। वीकली का जो प्राइस एक्शन है ये नेगेटिव कैंडल्स है, लेकिन स्ट्रॉन्गली नेगेटिव नहीं है, मॉडरेटली नेगेटिव कैंडल्स। इसका रीजन क्या है? प्राइस रिजेक्शन से मॉडरेटली हुआ है, स्ट्रॉन्गली मींस रिजेक्ट नहीं हुआ है। दैट मीन द केस यहां पे एक जोन बनाया हुआ है। कौन सा जोन आप अगर देखोगे तो
यहाँ पे हाई पे और यहाँ पे लो पे एक बॉक्स प्राइस को अगर 100 मूव करना है तो इसके इस बॉक्स के बाहर निकालना पड़ेगा इधर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड अकॉर्डिंगली वी कैन लुक फॉर एक मोमेंटम. आप देखोगे आई एम नॉट गिविंग ए स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन क्योंकि ये ओवरऑल अगर ब्रॉडर रेंज देखोगे एक साइडवेज ऊपर की तरफ 90 to 50 नीचे की तरफ 87 एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है. यहाँ पे मोमेंटम होने से भी झट से जाएगा पट से नीचे आ जाएगा झट से नीचे की तरफ आएगा पट से ऊपर टर्न अराउंड करेगा. सो यहाँ पे क्लैरिटी इज मिसिंग. सो दैट इज वाई जो भी होगा थोड़ा सा मॉडरेटली होगा स्ट्रांगली बुलिश या स्ट्रांगली बियरिश ट्रेंडेड मूव एज ऑफ नाउ दिख नहीं है. अगर हम डेली प्राइस एक्सचेंज को देखेंगे तो कल फ्राइडे के दिन में एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया इन्वर्टेड पिन बार एट द सपोर्ट लेवल. सो इसका मतलब क्या है हाई के ऊपर एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी टूवर्ड्स 95 लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पे एक हमारा मॉडरेट सपोर्ट आ सकता है 89.50 उसके बाद ये 89 के तरफ जा सकते हैं. अभी आते हैं हमारा डॉलर येन. डॉलर येन एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ मंथली क्लोज दिया कैंडल देखो एक पिन बार है ये एक हैमर है प्राइस रिसेक्शंस एट द लोअर एंड यानी नीचे की तरफ जो आपका ड्यूरिंग द मंथ 146.48 लो मारा था वहां से बायर्स टुक चार्ज डिफीटेड द सेलर्स एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट नियर टू द मंथली हाई. नियर मंथली हाई कितने में है 151.97 एंड क्लोज दिया हुआ है आपका 151.31. सो इट्स ए बुलिश कैंडल स्ट्रांग बुलिश कैंडल लेकिन इमीडिएटली ये एक रेजिस्टेंस है 152 का जो 32 इयर्स का हाई का एक रेजिस्टेंस है. सो आल्सो बीओजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जापान का जो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लेट येन डेप्रिशिएट फर्दर बियॉन्ड 150. इसके कारण यहाँ पे कश्मकश बायर्स एंड सेलर्स. So, जब तक इस रेजिस्टेंस जोन को क्लियर आउट नहीं करते हैं तो हमें बाइंग के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना है. ऑल्दो आरएसआई इज स्ट्रांग बुलिश अबव 60 एट 64.14. नेक्स्ट आते हैं द वीकली चार्ट पे. वीकली चार्ट पे हम अगर देखेंगे पिछले हफ्ते में यानी 25 मार्च ऑनवर्ड्स का जो कैंडल प्राइस एक्शंस बहुत ही नैरो रेंज में बन रहा है within a range of 151.97 and 151. Yani entire week dollar yen traded in between 100 pips. Yani price bahut consolidated ho raha hai. Ye ek resistance level pe consolidated ho raha hai. Abhi ye consolidation agar jitna karega that means they are trying to accumulate gather the strength to break above 152 level. पहले देखिए आप जो जब जब इस लेवल पे आया कितना शार्प गया एंड शार्प सेलिंग लेकिन यहाँ पे एक पॉज बन गया. सो यहाँ पर भी आप देखो गया एंड प्राइस इमीडिएटली गॉट रिजेक्टेड. सो ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर टाइम पास करते हैं इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न. कॉज ऑफ कंसर्न क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके एनर्जी एक्युमुलेट करके पावर एक्युमुलेट करके रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़ने का एक तैयारी चल रहा है. ओनली कंसर्न इज योर बीओजे एंड जापान का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हाउ दे आर गोइंग टू मींस टेक येन डेप्रिसिएशंस उसके ऊपर. अदरवाइज अगर ये बीओजे एंड जापान का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर नहीं रहते तो जैसे ही तोड़ते ऊपर की तरफ 152 के ऊपर क्लोज दे देते हैं वीकली पर्सपेक्टिव में तो एक बढ़िया सा मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट 40-52 12 बिगीज का एक एक्सपेक्टेशन 152-12-54-64 यानी अगर ये नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होते. नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है अगर ये बीओजे का यहाँ पे इंटरवेंशन
अगर बीओजे एंड जापान के फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इंटरव्यू नहीं करते एंड फ्री फ्लोटिंग होते, फ्रीली ट्रेडेबल होते विदाउट एनी इंटरवेंशन, देन इन सच केस ये डॉलर येन एक बार अगर 52 के 150 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, ये हो गया आपका डॉलर येन का वीकली पर्सपेक्टिव। बट बीओजे इज स्ट्रांग एनफ सो वी नीड टू लुक एट देयर पर्सपेक्टिव। यहाँ पर भी डेली में भी देखोगे काफी कंसोलिडेट कर रहा है कितने दिनों से एट द रेजिस्टेंस लेवल, यानी प्राइस के हिसाब से ये ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। रिजेक्शन होता तो देखो कैसे रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन होता कुछ इंडिकेशंस या स्टेटमेंट या कुछ बोल देते हैं towards 164 monthly percent, तो immediately नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा हमें थोड़ा सा देखना है। Next is your yen INR. Yen INR का monthly अगर price देखेंगे, तो आप देखोगे January and February में एक strong negative candle बनाया हुआ, March में भी एक inverted hammer बनाया हुआ है, देखो inverted hammer, inverted hammer ये कैसा बनाया? स्मॉल बॉडी कैंडल और ऊपर में एक विंग्स, दिस इज इन्वर्टेड हैमर, इस टाइप का कैंडल बनाया है। सो दैट बीइंग द केस इट इज स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज सपोर्ट, क्या सपोर्ट यहाँ पे लेते हैं, इसका कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा क्या है मंथली पर्सपेक्टिव में, ये जो इन्वर्टेड हैमर है मंथली इसके हाई के ऊपर, हाई क्या है 5650.565 से, इसके हाई के ऊपर जूम 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 करके येन आईएनआर में मूव टुवर्ड्स 59। सो हमें देखना है बीओजे कुछ करते हैं या नहीं करते, अगर कुछ करते हैं एंड ये मंथली हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक ढाई से तीन डिग्री का एक अपर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबोव मंथली हाई, लो के नीचे एक सेलिंग। One more additional feature is your RSI trying to take support at 60. यहाँ पे एक divergence भी बन रहा है, it's a 6-bar divergence. 6-bar divergence में भी हालांकि बहुत बड़ा monthly perspective में है, so just for our knowledge purpose, educational purpose, ये अगर एक bullish candle बनते हैं in such a case yen INR will move first towards 0.63 yen 0.5950 ke upar 0.6300 and ye wala 0.63650 then ye wala area 0.68 then ye wala area towards 7150 ye agar is type ka monthly candle अप्रैल में या मई महीने में इसके हाई के ऊपर, कौन सा हाई आपका जनवरी का हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज देते हैं इन सच केस एक जबरदस्त पहल का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड डोंट गेट बायस्ड कि ये आईना तो आपका 63, 50, 60 and 70 उसके लिए हमें confirmations चाहिए, without confirmations we are not going to take any positions. Next is your weekly chart. Weekly chart में भी price बहुत consolidate हो रहा है, ये 1, 2, 3, 4, 5th time यहाँ पे आ रहा है, अभी वही देखना है क्या ये support से respect करते हैं या ब्रेकडाउन अगर करते हैं वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, अगर ब्रेकडाउन नहीं करते हैं आरएसआई स्टेटमेंट सपोर्ट 40 एंड मूविंग हायर
इन सच्चे केस यहाँ पर भी डेली पर्सपेक्टिव में भी आपका 6 बार का एक डाइवर्जेंस बना हुआ है जो आपका इस 11th मार्च के हाई दैट मींस 5650 के ऊपर हमारा एक 59 का एक टारगेट बन सकता है। यानी इस स्टेट का अगर कैंडलिंग बनते हैं तो प्राइस में मूव टुवर्ड्स 5900 क्या होते हैं हमें इंतजार करना पड़ेगा। डेली का वही है प्राइस काफी नैरो कंसोलिडेट हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी अगर मंथली पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एक ब्रॉडर रेंज है 1.3950 एंड 1.3100। इस रेंज के अंदर में कब से है? सितंबर 22 से, यानी डेढ़ साल से इसी रेंज के अंदर में फंसे हुए। सो मंथली पर्सपेक्टिव में RSI is also sideways between 40-60, जब तक either 60 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करते या 40 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करते तब तक ट्रेंडेड मूव यहाँ पे मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो मंथली पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा सा जोन है, प्राइस इसी के अंदर में प्ले अराउंड करना चाहिए। अगर हम वीकली देखेंगे, वीकली एक रेंज शिफ्ट का एक्सपेक्टेशन से टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 एंड ट्राइंग टू मूव डाउन। सो मंडे ऑनवर्ड्स अगर यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होते हैं तो वी मे एक्सपेक्ट डॉलर कैंडी अगेन शार्पली मूव डाउन टुवर्ड्स 1.3250। यहाँ पे अगर टाइम पास करते हैं तो ये आएगा नहीं, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर इसको आना है तो बहुत रैपिडली आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर छोटा 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 कैंडल बनाते हैं, यानी ये एनर्जी गेन कर रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ने का, तो हमें देखना है क्या होते हैं। ये आपका वीकली पर्सपेक्टिव। अभी ऑसी डॉलर, $80 जो मंथली कैंडल बनाया हुआ है एक इन्वर्टेड पिन मार, यानी नेगेटिव इन नेचर, लो के नीचे सेलिंग हाई के ऊपर बाय, प्रेफरेबली लो के नीचे सेलिंग में जो हमारा सपोर्ट जोन हो सकता है वो है आपका 6350। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंटिन्यूअसली जो $80 का प्राइस है वो कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं। लोअर हाई लोअर लो का मतलब क्या है आप अगर देखेंगे तो प्राइस जो है कंटिन्यूअस यहाँ पे एक डबल बटन बन रहा है। सो इट्स ए क्रूशियल एरिया। इस अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं मंथली पर्सपेक्टिव में तो थोड़ा सा एक इन साइडवेज मूव का एक इंतजार है। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में ये आपका प्राइस बहुत ही नैरो रेंज के अंदर में अटक गए हैं। कौन सा नैरो रेंज है आपका? ये है ये, आप खुद देखिए, आप खुद डिसाइड करो क्या होगा इस रेंज के अंदर में। इस रेंज के अंदर में इससे बाहर होगा ऊपर की तरफ जाएगा तो वर्स 0.69 नीचे की तरफ आएगा, देन इन सच केस 6275 से 6350 के बीच में हमें हायर पॉसिबिलिटीज ऑन वीकली पर्सपेक्टिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आते हैं डॉलर सीरीज। डॉलर सीरीज में मंथली पर्सपेक्टिव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है मंथली, बहुत ही बुलिश कैंडल, लेकिन RSI at 59.92 ऐसा ना हो कि ये RSI is acting as a resistance and उसके बाद नीचे आ जाए, higher chances है। इसीलिए higher chances है because PBOC is closely monitoring the CME depreciations, they are highly active in restricting CNH to depletion. That being the case, यहाँ पे PBOC का रोल is very important. अगर हम month weekly में देखेंगे यहाँ पर भी आपका एक range shift आ रहा है, RSI taking resistance at 60 and coming down. So monthly perspective में भी resistance है, weekly perspective में भी resistance है, लेकिन weekly का जो candle है ये एक pin bar है, pin bar at the wrong locations. क्या रॉन्ग लोकेशन? अगर डाउन मूव में इस टाइप का अगर एक पिन बार बनता, ये वाला एक पिन बार बनता, इसके हाई के ऊपर एक बहुत बढ़िया अपवर्ड मोमेंटम होता, लेकिन ये एक काफी रैली करने के बाद एक पिन बार बना है तो ऊपर में एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस, जब तक इस रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं करते हैं तब तक बायर्स नीड टू बी अलर्ट। लेकिन इसके लो के नीचे यानी वीकली जो पिन बार बनाया हुआ है उसके लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हिच मे टेक सीएनएच डाउन टुवर्ड्स 7.17 7.18 की तरफ।
ये हो गया CNH का। अभी आते हैं हमारा ब्रेंट क्रूड टेनियर, ना ब्रेंट क्रूड नहीं, यूएस टेनियर ट्रेजरी। यूएस टेनियर ट्रेजरी कैंडल जो मंथली क्लोज दिया है ये है आपका 4.206। कैंडल क्या बनाया है, एक स्पिनिंग टॉप बनाया है, यानी नाइदर बुलिश नॉर बियरिश। यानी ये कहना क्या चाहते हैं, बोलता है कि मैं इंतजार, मैं पॉज ले रहा हूं। एंड ऑल्सो ये स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या है, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेलिंग। RSI मंथली रेजिस्टेंस, सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के इस लेवल से ये सॉफ्ट हो जाए। एंड जैसे ही मंथली लो के नीचे यानी 4.03 के नीचे सस्टेन कर जाए तो फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3.75 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब तक इस जोन को क्लियर नहीं करते। यानी हम अगर देखेंगे एक जोन बनाते हैं आपका, ये ऊपर में ये जब तक क्लियर नहीं करते आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, मोमेंटम मिसिंग रहेगा। एक बार नीचे की तरफ आ जाए तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो 10 ईयर ट्रेजरी में मूव टुवर्ड्स 3.0 इज द फर्स्ट टारगेट। एंड अगर हम वीकली प्राइस को देखेंगे, वीकली प्राइस में ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस एक्शंस बना रहा है, ये ऊपर गया फिर रेजिस्टेंस आया है एट फ्राइडे के दिन में एक स्मॉल बॉडी क्रिएट कर रहा है, इसके लो के नीचे फर्दर सेलिंग टुवर्ड्स 4.05 एंड 4.05 के नीचे इट में हेड टुवर्ड्स 3.75 से 3.80 के तरफ। दिस इज अबाउट यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। अभी आते हैं यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी मंथली क्लोज जो दिया हुआ है वो है आपका 4.63 एंड द नेचर ऑफ द कैंडल इज इन स्पिनिंग, परफेक्ट डोजी कैंडल। ये प्रीवियस मंथ में एक बुलिश कैंडल बनाया उसके बाद पॉज, रुको जरा सबर करो। ये रुको जरा सबर करो का जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है, इसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 5.10, लो के नीचे एक डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 4.10 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द रुको जरा सबर करो का मतलब। एंड ऑल्सो प्राइस अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली कैसे बिहेव कर रहा है, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, यानी यहाँ पे एक लोअर हाई तो बनाया हुआ है, अभी क्या बाकी है, अभी बाकी है आपका लोअर लो को तोड़ना, यानी इस लो को तोड़ना, तब जाके एवरीथिंग विल कम। यानी इस जो स्विंग लो बनाया हुआ है, हाई में लोअर हाई बनाया हुआ है, ये स्विंग लो बनाया, जैसे आने वाले महीनों में यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल जो क्लोज देगा समथिंग लाइक दिस, इन सच ए केस ये लोअर हाई लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, तब जो टू ईयर ट्रेजरी में खेलते हैं तो सेल अप कर सकते। ये हो गया मंथली परसेंट। वीकली पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया पे रुका हुआ है, अभी जैसे ही इस 11th मार्च का जो वीकली कैंडल है इसके लो के नीचे सॉफ्ट होने का हायर प्रोबेबिलिटी से एक एम्बेडेड रहेगा, देन इट मे मूव टुवर्ड्स 4.1। इसके लिए हमें इंतजार होगा 11th मार्च का जो वीकली का जो लो है, दैट इज क्या लो है आपका 4.47, इसके लो के नीचे अगर क्लोज देते हैं US 2-year treasury may move down towards 4.12. ये हो गया आपका US 2-year treasury। अभी Brent crude future monthly का देखते हैं। monthly का एक strong bullish candle बनाया हुआ है। अभी देखो कि ऊपर में आपका एक range है 97.50 से 98 एंड नीचे की तरफ 72.73। मंथली पर्सपेक्टिव में इस रेंज के अंदर में है, सो ऑल्दो मार्च महीने का जो कैंडल है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, सो इसके हाई के ऊपर एक पॉजिटिविटी हमें मिलेगा, व्हिच मे टेक क्रूड ऑयल मंथली ब्रेंट क्रूड फ्यूचर टुवर्ड्स 93.50 एंड 97।
ये हो गया मंथली। अगर हम वीकली देखेंगे, वीकली में भी एक मोमेंटम है। जब तक यहाँ पे एक आपका एम पैटर्न नहीं बनते हैं, तब तक हमें सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एज फार एज द क्रूड ऑयल इज कंसर्न, इस स्टेप का अगर जब तक नहीं बनता है वीकली परस्पेक्टिव में, एंड दैट बाई डिप्स मे बी कंसिडर्ड फॉर ए टारगेट टूवर्ड्स 93.50। ये हो गया ब्रेड। अभी हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज योर डॉलर। डॉलर रुपी मंथली जो प्राइस एक्शन है, इसमें लेटेस्ट हमारा जो ऑल टाइम हाई को तोड़ के 83.7071 का हाई ट्रेड किया था, बट फिर जब मार्केट ओपन हुआ नेक्स्ट वीक में ट्यूजडे में, तो क्या हुआ, इनविजिबल हैंड्स एक्टिव हो गए ऑल्सो CNH, जिसके कारण डॉलर रुपी में प्रेशर आया था, वो भी अंडर कंट्रोल। तो अभी एज ऑफ नाउ हमें क्या क्या देखना है, CNH को देखना, डॉलर इंडेक्स को देखना है, इनविजिबल हैंड्स को देखना, अलोंग विद ऑल वी नीड टू सी द फ्लोस। जून महीने में एक बड़ा इन्फ्लो आने का एक्सपेक्टेशन है। व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये कोई नया चीज नहीं है, सबको पता है। हम इसको चार्ट के हिसाब से एनालाइज करेंगे। क्या चार्ट है यहाँ पे, अगर हम अप्रैल में या जून महीने में इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल जो आपका मार्च का लो को नीचे की तरफ क्लोज डाउन करेगा, इन सच ए केस डॉलर रुपी में एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल का एक्सपेक्टेशन से मंथली पर्सपेक्टिव में, आइदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मई और इन द मंथ ऑफ जून, उसके अगर इस टाइप का होते हैं इन सच ए केस, डॉलर रुपी में मूव डाउन टूवर्ड्स 81.50 से 81.70 के बीच। क्योंकि वो जो सेलिंग प्रेशर आएगा तो और भी ज्यादा झटका मारेगा, झटका मार के और भी नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। सो हमारा एक रेंज हम ले लेते हैं 81.00 से 81.50 के तरफ। So this is with respect to the price actions. लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर इस टाइप का एंगल कैंडल नहीं बन के रदर एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाते हैं जो इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, something like this. तो कब होगा ये, जब इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ थोड़ा सा ढीला करेगा, एंड दे विल अलाउ रुपी टू डेप्रिशिएट फ्रॉम रिसेंट हाई। ऑफिशियल हाई इज 83.43, इसके हाई के ऊपर अलाउ करते हैं, क्या वो अलाउ करते हैं, इन सच केस डॉलर रुपी में एक जूम जूम ऊपर की तरफ, मे बी 84 और मे बी 84.50 का हमें एक पॉसिबिलिटीज है। उसका क्या कारण हो सकता है, इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ छोड़ते हैं, CNH 7.30 के ऊपर जाते हैं, डॉलर इंडेक्स करंट लेवल जो है 104.50 के आसपास है, वो 107 की तरफ जाते हैं। इन सच केस डॉलर रुपी में एक अपवर्ड प्रेशर, रुपी में फर्दर डेप्रिशिएशन। सो अब बोलोगे क्या आशीष, दोनों तरफ का बजा बजाते हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू मींस क्या बोलते हो उसको, आप लोगों को एक डायरेक्शन की तरफ झूठ में छोड़ के देना नहीं चाहता हूँ, बायस्ड व्यू नहीं देना चाहता हूँ कि ये 84.50 की तरफ ही जाएगा या 81.5 की तरफ जाएगा। सर्टेन प्राइस कंफर्मेशन से नीडेड, क्या ये उधर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके लिए प्राइस कंफर्मेशन मैं आपको दोनों साइड देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करो, आप देखो कौन सा डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट कर रहे, क्या ये 60 के नीचे क्लोज दे रहे हैं मंथली पर्सपेक्टिव में, या एक ऊपर की तरफ इंटरवेंशंस इनविजिबल हैंड्स का जो पकड़ है वो ढीला हो रहा है, CNH 7.30 के ऊपर जा रहा है एंड डॉलर इंडेक्स 107 की तरफ जा रहा है। अकॉर्डिंगली यू टेक योर ओन डिसीजंस, आई डोंट वांट टू मेक यू ब्लाइंडली बायस्ड टुवर्ड्स अ डायरेक्शन,
दिस इज द रीजन मैं आपको सिनेरियो एनालाइज करवा रहा हूँ, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन ये इधर जा सकता है, सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन ये नीचे की तरफ जा सकता है, दिस सो दैट आई एम जस्ट सो दैट यू विल बी न्यूट्रल व्हाइल टेकिंग योर ओन डिसीजंस. सो करेंसी मंथली एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ मार्च अभी के लिए इतना है. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, जरूर बताइए मेरा वो ये जो मंथली एनालिसिस है क्या आपको अच्छा लग रहा है. आई नीड योर फीडबैक. थैंक यू एंड.